हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स एंड माई ऑल फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर क्लास आज का टॉपिक है नो अबाउट कंप्यूटर चलिए देखते हैं अ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैनमेंट मशीन कंप्यूटर क्या है मानव द्वारा निर्मित बहुत ही उपयोगी मशीन है ठीक है इट्स यूटिलिटी एरिया कैन बी फ्रॉम अ स्मॉल शॉप टू लार्ज साइंटिफिक रिसर्च सेंटर इस इसकी जो यूटिलिटी एरिया यानी इसका जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो एक छोटी सी शॉप्स लेके एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर तक है ठीक है हो सकता है दीज आर आल्सो फाउंड एम्बेडेड इन अदर मशीन्स टू मेक देम वर्क स्मार्टली और इसको अन्य मशीन में भी स्थापित किया जाता है वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही स्मार्ट तरीके से करने के लिए ठीक है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को डेटा में डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती रहती है ठीक है इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर रिट्राइब एंड प्रोसेस डेटा कंप्यूटर की एबिलिटी यानी कंप्यूटर की क्षमता होती है कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है रिट्राइव करना रिट्राइव करने का मतलब क्या होता है अगर कोई डेटा डिलीट हो गया है तो उसे हम वापस से पा सकते हैं ठीक है एंड डेटा प्रोसेस करता है डेटा प्रोसेस करता है कि मतलब अगर हम को, कोई भी इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उस पर कंप्यूटर वर्क करता है सर्च करता है फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसे कहते हैं डेटा प्रोसेस हो रहा है या डेटा प्रोसेसिंग ठीक है आगे देखते हैं पहला पॉइंट है हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू द फॉलोइंग थ्री स्टेजेस प्रत्येक कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर ये थ्री तीन जो स्टेज दिया गया है इन तीन स्टेज को फॉलो करते हैं वो स्टेज क्या है ये पहला है इनपुट वी इंटर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर यूजिंग की बोर्ड और माउस हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कोई भी डेटा हो गया या कोई भी सूचना होती है उसे कंप्यूटर में इंटर करते हैं किसके माध्यम से कीबोर्ड के माध्यम से और माउस के माध्यम से ठीक है दीज डेटा इज कॉल्ड इनपुट और ये डेटा क्या कहलाता है इनपुट एंड इट टेल्स द कंप्यूटर वॉट टू डू विथ इट और ये कंप्यूटर को बताता है कि इस डेटा के साथ क्या करना है ठीक है नेक्स्ट स्टेज क्या है प्रोसेसिंग द कंप्यूटर वर्क ऑन द डाटा विथ द हेल्प ऑफ सी पी यू कंप्यूटर डेटा पे वर्क करता है किसकी मदद से सी पी यू की मदद से सी पी यू का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग और इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग ठीक है आगे देखते हैं थर्ड स्टेज क्या है आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द मोनीटर प्रोसेस होने के बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो कंप्यूटर डिस्प्ले मॉनिटर क्या करता है रिजल्ट को डिस्प्ले करता है रिजल्ट को शो करता है ठीक है दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं आउटपुट ठीक है output, ये आपको तीन स्टेज बता दिया मैंने सारे जो कंप्यूटर होते हैं हर एक कंप्यूटर इन्हीं तीन प्रोसेस से होके गुजरता है इसी तीन प्रोसेस में वर्क करता है ठीक है अब उसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है एवं मैंसन स्टेप्स टूगेदर फ्रॉम द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल ये जो प्रोसेस है ये जो थ्री स्टेज है इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसके शॉर्ट में क्या कहते हैं आई साइकिल आई बोले तो इनपुट पी बोले तो प्रोसेस ओ बोले तो आउटपुट ओके लेट अस अंडरस्टैंड आईपीओ साइकिल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल चलिए समझते हैं आईपीओ साइकिल को इनपुट प्रोसेस आउटपुट को किसकी मदद से एग्जांपल के मदद से ठीक है एग्जांपल क्या है आपका सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर मान लो हम चाहते हैं कैलकुलेट करना मार्क्स को अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिला है उसे हम कंप्यूटर में क्या करना चाहते हैं कैलकुलेट करना चाहते हैं कंप्यूटर पे ठीक है सी हाउ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ कंप्यूटर देखो इसमें सी द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ कंप्यूटर कैसे डेटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर में कैसे प्लस होगा कैसे ये तीनों आई पी ओ साइकिल वर्क करेगी उसके बारे में बताया गया है ठीक है पहले आपका इनपुट कंप्यूटर कैसे वर्क करता है जो भी हम इनपुट एंड इन्फॉमेशन कंप्यूटर को देते हैं उस पर वर्क करता है राइट right? हमने ऊपर पढ़ा है अब है आपका ये मार्क्स है नाइन्टी एटी फाइव सिक्सटी नाइन नाइन्टी एट सेवेंटी सिक्स एटी फोर प्लस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल मार्क्स एंड प्लस सिम्बल आप कंप्यूटर में ये टाइप करेंगे ठीक है नाइन्टी प्लस एटी फाइव सिक्सटी नाइन ये डेटा एंटर करेंगे उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे ठीक है उसके बाद होगा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में देखिए नाइन्टी प्लस एट्टी फाइव प्लस सिक्सटी नाइन प्लस नाइन्टी एट हो गया वर्किंग ऑन द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया ये हमने नंबर लिख दिया और प्लस का सिंबल लिख दिया ठीक है उसके बाद प्रोसेस होके ऐसे प्लस में आ गया और फिर हमें मिल गया मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट फिर हमें प्लस होके मिल गया मतलब ये सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके कंप्यूटर ने बता दिया कितना हुआ फाइव हंड्रेड टू ठीक है ये आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक भी ठीक है खुश रहिए सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए हैव अ गुड डे बाय लव यू ऑल